नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मनु भारद्वाज जीडी फ्यूचर टेक्नोलॉजी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे मैं नित नए वीडियो लेकर आता रहता हूं, आज भी एक वीडियो लेकर आया हूं। जो गैजेट है हमारा वो है GoPro परफॉर्मेंस 60 से। दोस्तों, ये बाइकर्स की पहली पसंद है, ना सिर्फ बाइकर्स की बल्कि ये ट्रैकिंग करने वालों की, साइकिलिंग करने वालों की, ये इन सब की पहली पसंद रहती है। ये बकायदा उनकी भी पसंद है जो व्लॉगिंग करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा परफॉर्मेंस चेस्ट माउंट है जो आप अपनी चेस्ट पे लगाने के बाद और उसके ऊपर GoPro माउंट करने के बाद लाइव वीडियो को कैप्चर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ना सिर्फ ये लाइव वीडियो कैप्चर करता है बल्कि साथ के साथ ये आपके यादगार पलों को भी कैप्चर करता है जो बाद में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस GoPro परफॉर्मेंस चेस्ट माउंट से जो आप GoPro कैमरा लगाएंगे वो कैमरा लाइव रिकॉर्डिंग करता रहेगा जैसे जैसे आप चलते रहेंगे। तो दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा पसंद है बाइकर्स की, साइकिलिंग करने वालों की, ट्रैकिंग की और जर्नी करने वालों की। तो दोस्तों, आज की वीडियो इसी चीज़ से रिलेटेड है कि GoPro परफॉर्मेंस चेस्ट माउंट कैसा है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है और हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा दोस्तों, ये है GoPro परफॉर्मेंस चेस्ट माउंट, और ये माउंट आपकी चेस्ट पे बांधने के बाद आप कोई भी एक्शन कैमरा को इसके साथ माउंट कर सकते हैं या अटैच कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको इसके अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा। दोस्तों, जाने से पहले एक और बात बता दूं कि बहुत लोग मुझसे कहते थे कि यार आपकी वीडियो जो है महीने में एक या दो आती है, वो बात मैंने पकड़ लिया। मैं रोज एक ना एक वीडियो निकालता रहता हूं, क्योंकि मेरे पास इतने सारे गैजेट्स हैं कि मैं रोज वीडियो बनाऊंगा तब भी आपको कंटिन्यूस देखने में 6 महीने लग जाएंगे। तो दोस्तों, रोज की रोज एक वीडियो पोस्ट करूंगा और आशा करता हूं कि वो वीडियो आप पसंद करेंगे और उसको लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो दोस्तों, जरूर इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको गैजेट कैसा लगा, या आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या ये आपके यूज के लिए है या नहीं है, या कोई भी सजेशन अगर आप देना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में आकर भी देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, इस GoPro परफॉर्मेंस चेस्ट माउंट को हम ओपन करते हैं। सामने देख पा रहे हैं GoPro चेस्टी, जिसे हम चेस्ट माउंट भी बोलते हैं। और दोस्तों, ये जो चेस्टी होता है GoPro माउंट होता है, और जितने भी बाइकर्स हैं उनकी ये पहली पसंद है, क्योंकि बाइकर्स को जगह जाकर फुटेज कैप्चर करनी होती है तो सबसे ज्यादा इजिएस्ट वे है कोई भी वीडियो कैप्चर करने का। कहने का मतलब है GoPro को आप इस पर माउंट करेंगे और GoPro बहुत ही ज्यादा इमर्सिव फुटेज को कैप्चर करेगा आपके अनुसार, क्योंकि ये आपकी चेस्ट पर बना रहता है। अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं इसके ऊपर क्या क्या लिखा है। यहाँ लिखा है चेस्टी परफॉर्मेंस चेस्ट माउंट, GoPro की यहाँ पर मार्किंग दी हुई है, आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं। और बैक साइड में देखते हैं हम, ये देखिएगा यहाँ लिखा है द पैडेड फ्लेक्सिबल चेस्टी लेट्स यू कंफर्टेबली कैप्चर इमर्सिव फुटेज फ्रॉम योर चेस्ट। ये इमर्सिव फुटेज को कैप्चर करने के काम आता है। क्या क्या इसके अंदर मिलता है, हमको मिलता है परफॉर्मेंस चेस्ट माउंट, वर्टिकल माउंटिंग बकल और थंब स्क्रू। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कंपेटेबल विद ऑल GoPro, जितने भी GoPro मॉडल्स हैं उससे ये कंपेटिबल है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। और देखते हैं यहाँ पर इसका मैन्युफैक्चरर दे रखा है, यहाँ दोस्तों लिखा है जेनिक नेम ऑफ द प्रोडक्ट चेस्टी GoPro, MRP इसका 3400 है। आप वेरियस वेबसाइट पर इसे अप्रोक्सीमेट 3000 रुपीज में ले सकते हैं। कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना है, ये कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर लिख रखी है। चलिए दोस्तों, इसको अब हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए यहाँ से ओपन होगा और हम इसे निकाल लेते हैं। इस तरह की पैकिंग आपको यहां पर मिलती है, इसे खोलते हैं हम। ये देखिएगा दोस्तों, ये है थंब स्क्रू, और देखते हैं इसके अंदर आपको क्या मिलता है। इसके अंदर आपको मिलता है वर्टिकल माउंटिंग बकल और परफॉर्मेंस चेस्ट माउंट। इस तरह की ये चेस्ट माउंट है, इसे भी हम खोल लेते हैं। ये देखिएगा GoPro मार्किंग दी हुई है, ये देखिएगा दोस्तों, फॉर्म पैडेड है पूरा, यहां पे भी GoPro की मार्किंग दिया हुआ है, और यहां पर जो स्लॉट वहीं पर आपका GoPro कनेक्ट होगा। दोस्तों, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, इट इज मेड अप ऑफ गुड क्वालिटी मटेरियल, नो डाउट। और दोस्तों, सिंपल सी बात है, एक्सेसरीज है, और GoPro कोई ऐसी वैसी चीज नहीं बनाता, बहुत ही ज्यादा अच्छी और मजबूत चीज बनाता है। ये स्ट्रैप जबरदस्त क्वालिटी का है दोस्तों, फर्स्ट लुक में तो देखो, अगर मैं इसे नंबर देना चाहूं तो 10 आउट ऑफ 10 दूंगा।
और दोस्तों ज़्यादातर मैं वीडियोस में 10 out of 10 ही देता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी टेस्टेड होती हैं। ये मैंने न्यू बॉक्स ओपन करा था और मैं पिछले 2 साल से ये गोप्रो चेस्ट माउंट यूज़ कर रहा हूँ बिना किसी परेशानी के। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख भी सकते हैं कि मैंने किस तरीके से वीडियो कैप्चर करी हुई है, वहाँ मैंने ज़्यादातर गोप्रो कैमरे का यूज़ किया है। दोस्तों ये जो बेल्ट है यही आपकी चेस्ट पर माउंट होगा और यहाँ पर आपका गोप्रो कैमरा माउंट होगा। मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से गोप्रो कैमरा माउंट होता है। देखिए दोस्तों ये मेरा गोप्रो कैमरा है और इस वर्टिकल माउंटिंग बकल थंब स्क्रू की सहायता से ये कैमरा मैं इस पर माउंट करूंगा। इस तरीके से हम माउंट करते हैं, ये गोप्रो कैमरा यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है और ये जो थंब स्क्रू है इससे हम इसे टाइट कर देते हैं इस तरीके से। ये देखिएगा ये वर्टिकल माउंटिंग बकल थंब स्क्रू और कैमरा आपस में अटैच हो चुके हैं और हमको सिंपल क्या इसे उठाने के बाद और यहाँ पर हमको स्लाइड कर देना है इस तरीके से। यहाँ पर अटैच हो चुका है, जहाँ पे भी हमको कैमरा सेट करना है वहाँ पर हम इसे सेट कर देंगे और इसको थोड़ा टाइट कर देंगे। इस तरीके से आपका गोप्रो कैमरा इस गोप्रो चेस्टी पर अटैच हो चुका है और आप इसे अपनी चेस्ट पर बांध लेंगे। जब भी आप बाइक चलाएंगे तो साथ के साथ आप इमर्सिव वीडियो को कैप्चर कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, यानी आपको गोप्रो हाथ में पकड़ने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इसकी सबसे अच्छी खास बात यह है, इसके साथ आपको मिलता है वर्टिकल माउंटिंग बकल और थंब स्क्रू जो इसे कंप्लीट बनाता है। और दोस्तों एक चीज और देखिएगा, ये जो पैडेड है ये भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। दोस्तों इसे पहनने के बाद बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, लाइट इन वेट है, अच्छी क्वालिटी का है और अगर आप बाइकर हैं तो आपके पास ये गोप्रो चेस्ट माउंट जरूर होना चाहिए और कोई भी ऐसा गोप्रो जो आप खरीदते हैं वो इसके साथ कंफर्टेबल है। दोस्तों इस गोप्रो चेस्ट माउंट को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से एडजस्ट होते हैं, आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं जिस हिसाब से भी आपकी बॉडी है। तो दोस्तों एक इजी वे है अपनी बॉडी पर माउंट करने के लिए। तो दोस्तों ये तो सिर्फ इसकी अनबॉक्सिंग थी, अब मैं इसका प्रैक्टिकल यूज करके बताता हूँ, डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ कि किस तरीके से हम वीडियो कैप्चर कर सकते हैं। दोस्तों चलते हैं और हम गोप्रो चेस्टी का एक डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं और इस टाइम मैंने जो ये रखी है यह है राइनॉक्स टोर्नेडो प्रो। ये बाइकर्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि बाइकिंग करते वक्त आपके पास प्रोटेक्शन गियर्स जरूर होने चाहिए, जिसके अंदर आपके पास जैकेट है, आपके पास ग्लव्स हैं, आपके पास नी पैड्स हैं, यानी ये टोटल प्रोटेक्शन अगर आपके पास रहेगी तो आप सही ढंग से बाइकिंग का मजा ले सकते हैं। और मैं आपको दिखा देता हूं ये गोप्रो चेस्ट की, अब हम चेस्ट पे बांधेंगे और रिकॉर्डिंग करेंगे अपनी जर्नी का। दोस्तों इसे पहनने का तरीका ये है, दोस्तों ये जो आपका गोप्रो है इसकी साइड में एक छोटा सा बकल है, इसे आप प्रेस करेंगे तो ये इस तरीके से बाहर आ जाएगा और आप बिल्कुल जैकेट की तरह से पहन लेंगे। मैं आपको पहन के दिखाता हूं। इस तरीके से आएगा और इसके स्लॉट में वापस हम इंसर्ट कर देंगे। ये देखिएगा ये इस तरीके से जो गोप्रो है वो आपकी चेस्ट पर माउंट हो चुका है विद द हेल्प ऑफ दिस गोप्रो चेस्टी और आप रिकॉर्डिंग करने के लिए तैयार हैं। बस आपको क्या करना है, एक हेलमेट उठाना है और इस तरीके से पहन लेना है। ये मैंने हेलमेट पहन लिया है और अब हम रेडी हैं जर्नी के लिए, तो चलिए चलते हैं और मजा लेते हैं अपनी जर्नी का। चलो दोस्तों अब गोप्रो चेस्टी का हम डेमोन्स्ट्रेशन भी देख लेते हैं और अब हम चलते हैं लेट नाइट राइड पर। बाइक स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रात के 10:30 बजे हैं और अब हम लेट नाइट राइड पर निकले हुए हैं विद गोप्रो एक्शन कैमरा जो माउंट है हमारा गोप्रो चेस्टी पर। रोड बिल्कुल साफ देख पा रहे होंगे आप। ये मोदी नगर रेलवे स्टेशन के करीब हैं हम, रेलवे फाटक से गुजर रहे हैं। रोड की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मोदी नगर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसकी वजह से। मेन रोड आने तक रिकॉर्डिंग ऐसी चलेगी। ऑन रोड आ चुके हैं, रोड खाली है, रात का टाइम इसलिए चुनते हैं हम क्योंकि आसानी से वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है।
और इस टाइम हम रेलवे स्टेशन रोड से गुजरने वाले हैं। ये मोदी नगर का रेलवे स्टेशन है जहाँ पे हम अभी पहुँचने वाले हैं विद इन 5 सेकेंड। ये मोदी नगर का रेलवे स्टेशन रोड है और इस टाइम मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ अपने GoPro कैमरा से, जो GoPro चेस्टी पर माउंट है, जिसका मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ। ये मोदी शुगर मिल लिमिटेड है जहाँ से हम गुजर रहे हैं। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा छोटी राइड रखूँगा क्योंकि ये मैं खाली व्लॉगिंग इसलिए कर रहा हूँ जिससे मैं आपको GoPro चेस्टी का डेमोन्स्ट्रेशन दे सकूँ। जैसे बताया था मैंने आपको, यहाँ पर शुगर केन फैक्ट्री है अपने पिछले व्लॉग में, यहाँ पर गन्ना जा रहा है शुगर मिल के लिए। दोस्तों अगर राइड का मजा लेना है तो लेट नाइट राइड जरूर करनी चाहिए सबको। रात के 10:30 बजे भी बहुत अच्छा खासा ट्रैफिक यहाँ पर हमको मिल जाता है। चलिए रोड क्रॉस कर लेते हैं। दोस्तों जैसे मैंने बताया था, जो ये GoPro चेस्टी है ये ज़्यादातर वही लोग यूज़ करते हैं जो एक्शन कैमरा में कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं अपनी जर्नी की, जैसे बाइकर्स हैं और ट्रैकिंग जो करते हैं या व्लॉगिंग करते हैं वो ये कैमरा यूज़ करते हैं और ये माउंट यूज़ करते हैं। दोस्तों ये जो दर्शन करवा रहा हूँ अपने छोटे से शहर मोदी नगर का करवा रहा हूँ और ज़बरदस्त भीड़ है रात के 10:30 बजे। दोस्तों जो फर्स्ट टाइम मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्हें ज़रा सा भी कुछ अच्छा लगे तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया है देखिए, और ये जब तक रहेगा जब तक यहाँ पर कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हो जाता। आपको ये GoPro चेस्टी का डेमोन्स्ट्रेशन कैसा लग रहा है जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं और हो सके तो जरूर वीडियो को लाइक करें। वाह भाई वाह। रात के सफर का आनंद ही कुछ और होता है दोस्तों। अगर कोई भी मोदी नगर का बंदा इस वीडियो को देख रहा है तो जरूर अपने सोशल मीडिया सेक्शन में शेयर जरूर करें इसको, क्योंकि मोदी नगर से ज़्यादा ही खास लगा हुआ है मुझे और यहाँ की ज़्यादातर मैंने वीडियो बना रखी है। और ये आ गए हैं हम इस टाइम मोदी नगर रेलवे फाटक पर। शायद ट्रेन भी आ चुकी है। सबसे ज़्यादा बिजी फाटक है यहाँ पर इस टाइम पर, जहाँ भी लॉगिंग में साफ देख पा रहे होंगे। यहाँ तो सुबह आओ शाम आओ फाटक ही बंद मिलता है हर समय। यहाँ 50 चक्कर लगाओ 40 चक्कर लगाओ फाटक बंद। ये फाटक भैया बिना फाटक बंद कहाँ से नहीं हो सकते। मैं भी सोच रहा था आते हुए फाटक बंद ही मिलेगा यहाँ। तो जिंदगी ऐसी कट गई मुझे लग रहा है। 5-10 साल तो जिंदगी के यही निकल गए खड़े खड़े। जबकि ट्रेन कम चल रही है तभी ये हाल है। मैं यही तो कह रहा हूँ, पैसेंजर ट्रेन चलेगी तो क्या हाल होगा। सुबह से 6 चक्कर लगे हैं और 6 में 6 बार बनता है ये फटक। चलो भाई खुल चुका। दो
दोस्तों ये थी नाइट राइड विद माय GoPro ट्रस्टी एंड GoPro एक्शन कैमरा, और यहाँ के हालात आप लोगों ने देख लिया होगा कि रोड कैसी हुई पड़ी है, किस तरीके से यहाँ पर जाम लगा रहता है, चाहे मेन रोड है चाहे अपना मोदी नगर का रेलवे फाटक है। ये सारी चीज़ इस वीडियो के अंदर आपको दिख पा रही होगी। और वापस हम अपने घर की साइड चल दिए हैं, जहाँ पर हम स्टूडियो में पहुँच के आपसे विदा लेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको डेमोंस्ट्रेशन, कैसा लगा वीडियो और कैसा लगा व्लॉगिंग, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने में, और जब भी कमेंट आता है मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। तो सिर्फ थोड़ी देर आप जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में लाइक करने में और शेयर करने में। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो तुरंत मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप वीडियो जरूर शेयर करेंगे, और आप वीडियो शेयर करेंगे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और दोस्तों जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्हें जरा सा भी कुछ अच्छा लगता है तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी आने वाली वीडियो का लुत्फ उठा सकते हैं। तो दोस्तों मैं अब आपसे विदा चाहता हूँ, मैं दोबारा हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। ओके बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद। Everybody sing that shit.